अब मुझे दोगला मुसलमान बोला गया उस वक्त मैं रोया भाई यहाँ तक मैंने ये दाढ़ी के चलते मुझे काम भी कहीं मिला नहीं मुझे काम वाम भी मिला नहीं मैंने इस्लाम के नाम पर बहुत धक्के उठाए लेकिन मुझे खबीस बोला गया उन्होंने कोशिश की कि अपन नदीम खान को मारेंगे ना तो अपन फेमस हो जाएंगे और कोशिश चल रही है उनकी तो मेरे साथ में ऐसा क्यों एक हिंदू तो मेरे से लड़ना नहीं चाहता है तो मैंने आज तक कभी रोड पे कहीं झगड़ा नहीं किया मैं कभी रोड पे नुक्कड़बाजी नहीं किया मैं यहाँ पे मेरे पास कई लोग मदद के लिए मैंने कभी किसी का वीडियो नहीं बनाया कुरान के मुताबा अगर वो मेरे सामने बैठ जाए ना दूध दूध का दूद और पूरी दुनिया लाइव में देख लेगी कि सच्चा मुसलमान कौन है और सच्चा मुसलमान के नाम पे बेमन कसम खुदा की मैं डरता हूँ मेरे गुस्से से कि अगर मेरे हाथों तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे यतीम और मोहताज हो जाएंगे पुलिस तो मुझे दंड दे गयी कानून तो मुझे दंड दे गयी जेल तो मुझे जाना ही पड़ेगा कभी इमोशनल हुए आप आपके ऐसा कोई सिचुएशन आया हो कि जब आपकी आंखों में आंसू आ गए हो दो बार एक बार मेरी माँ इंतकाल की मेरी माँ का डेथ हुआ जब तो मैं कि मेरी माँ को अहराम लाके रख दिया गया तो मैं बहुत रोया और बहुत इमोशनल हुआ दो सर एक बात दूसरी बार टाइम पे एज क्या थी आपकी ज़्यादा ज़्यादा यही अभी छः साल पुरानी बात है यानी सिक्स ईयर पुरानी बात और दूसरी बार ये कि मैंने मेरे जिंदगी में अपने दोस्तों के बारे में दुश्मनों के बारे में मैंने कभी बुरा सोचा नहीं बॉस और मैं कसम से अभी भी नहीं सोचा और मुझे जब बदनाम करने की कोशिश की गई ना तो बड़े शिद्दत से मुझे बोला गया कि मैं एक मुसलमान नहीं हूँ चलो मतलब मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ मुझे बोला गया मैं खबीस भाई मुझे खबीज बोला गया तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि इस्लाम के नाम पर होना क्या चाहिए मैंने इस्लाम के नाम पे घर की कुर्बानी दी फिर मैंने अल्लाह के नाम पर मैंने मेरे बच्चों की खुशियाँ नहीं देखी तो मेरी जिंदगी की आधी कमाई मैंने वक्फ कर डाली इस्लाम के नाम पर मैंने जो जो इस्लाम में था मैंने वो चीज की चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत रसूल हाथ से मैंने बीस पच्चीस साल से रखा पच्चीस साल ये पच्चीस साल से मुझे दाढ़ी है यहाँ तक मैंने ये दाढ़ी के चलते मुझे काम भी कहीं मिला नहीं मुझे काम वाम भी मिला नहीं हाँ सीधा बोला दाढ़ी काट के हो तो काम देंगे मैं सीरियस कह रहा हूँ मैं फिर नहीं किया मैंने दाढ़ी नहीं काटा मैंने रोड पे धंधे लगाए तकलीफ मैंने इस्लाम के नाम पर बहुत धक्के उठाए लेकिन मुझे खब्बीस बोला गया अब मुझे दोगला मुसलमान बोला गया उस वक्त मैं रोया भाई तो हाँ आप सच... वो सच्चे ही मुसलमान होंगे जो पांच वक्त के नमाजी होंगे जिनके ऊपर अल्लाह ने बहुत ज्यादा रहमत रखी होगी वही बोले होंगे ना मुझे मैं तोहमत नहीं लगा रहा जिनकी एक फजर नहीं छूटती जिनकी एक ताजुब नहीं छूटती जो सूर्य फातिया से लेके भी नास तक के कुरान को खत्म करते हैं वो डेली महीने में एक कुरान खत्म करने वाले वही लोग ही लगाए होंगे तो मत मुझ पर उन लोगों ने मतलब मैं किसी इमाम का नाम नहीं ले रहा हूँ और मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं आप सवाल किए तो मैं जवाब दे रहा हूँ जिन लोगों ने मुझ पर तोमत लगाई कसम है उस खुदा की कुरान के मुताबा अगर वो मेरे सामने बैठ जाए ना दूध का दूध और पूरी दुनिया लाइव में देख लेगी कि सच्चा मुसलमान कौन है और सच्चा मुसलमान के नाम पे कौन है है दुख होता भाई मैंने इतने वीडियोस बनाए मुझे हिंदू लोग कभी मारने की कोशिश नहीं की हिंदू लोगों ने मुझे बोला आपके लिए जान हाजिर है भाई आप परफेक्ट हो सच बोलते लेकिन कुछ चंद लड़कों ने उन्होंने कोशिश की कि अपन नदीम खान को मारेंगे ना तो अपन फेमस हो जाएंगे और कोशिश चल रही है उनकी मारने की कोशिश चल रही है लेकिन गलत फहमी में एक गलत फहमी में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं मैं अलमास कॉलोनी में आज पंद्रह साल से रह रहा हूं मैंने आज तक कभी रोड पे कहीं झगड़ा नहीं किया मैं कभी रोड पे नुक्कड़बाजी नहीं किया मैं यहाँ पे मेरे पास कई लोग मदद के लिए मैंने कभी किसी का वीडियो नहीं बनाया मेरी औरत ने लोग मैंने बहुत पैसे लॉकडाउन में बांट डाली यार मैं इतनी तकलीफों का सामना किया लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया तो मेरे साथ में ऐसा क्यों एक हिंदू तो मेरे से लड़ना नहीं चाहता है ये लोग क्यों लड़ रहे मुझसे यार मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बिगाड़ा है क्या है? अरे मैं डरता हूं तुमसे नहीं मैं डरता हूं मेरे गुस्से से कसम खुदा की मैं डरता हूँ मेरे गुस्से से कि अगर मेरे हाथों तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे यतिम और मोहताज हो जाएंगे कानून मुझे छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे साथ गलत करके सदरक्षण खल नगर नायक मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला पुलिस तो मुझे दंड दे गई कानून तो मुझे दंड दे गई जेल तो मुझे जाना ही पड़ेगा तो क्यों तुम अपने आप की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और मेरी भी अरे भाई अपने आप को समझदारी से लो अपना काम धंधा करो काम करो पैसे कमाओ तरक्की लो मैंने आज तक कभी क्या गलत बोला क्या गलत बोला मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो मेरे देश के खिलाफ जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ लड़ते मैंने किसी गरीब को तोहमत लगाई क्या और आप इतने बड़े अगर शेयर हो तो आप देश के दुश्मनों को मारो ना आप जाओ आर्मी ज्वाइन करो आप पुलिस ज्वाइन करो आप करो मैं क्या बुरा करता हूं जो मेरे साथ का मैं रोया मैं रोया हूं दिल से बोलता हूं मैं रोया हूं अरे तुम्हारी औका मुझे मार डालो ये पीठ पीछे बोलो मत ना यार